Hey guys, welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSK Vlogs. So guys, ये एक और वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं भिवंडी के अंदर रोशन बाग मस्जिद के पास. ये जो जगह है इसका जो है ना गूगल पे भी है, ठीक है. तो हम लोग गूगल के थ्रू यहाँ पे पहुंचे हैं. अबरार भाई आप लोगों को बता देंगे कि कैसे आना है यहाँ पे. गूगल पे मैप अगर वो आपको शेयर कर देंगे ना डायरेक्शन, तो डायरेक्टली इधर पहुंचोगे, ठीक है. तो आइए हम लोग ये जो इसमें चार फीमेल्स हम लोग देखने वाले, तीन यहाँ पे है, दो तीन और एक उधर व्हाइट में छोटी वाली, वो ये चार फीमेल्स है. इनकी डिटेल जानेंगे कौन सी ब्रीड में, वो जानेंगे. अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई. तो अबरार भाई ये वीडियो में क्या देखने वाले हम लोग? ये चार फीमेल है, ये सूजत क्रॉस में है. सूजत क्रॉस में, ओके. तो इस ये मतलब ये जो बच्चे हैं ये भी इससे क्रॉस में ही हुए है, कैसे हुए, क्या हुआ है? सूजत क्रॉस में ही है बच्चे भी. अच्छा, ऐसा है, क्योंकि इसमें पूरा एक ब्लैक बच्चा आया हुआ है, व्हाइट तो फिर भी ठीक है, ओके. तो माशाल्लाह ये कितने कितने महीने के बच्चे दोनों? ये तीन तीन महीने के फीमेल है भाई. दोनों फीमेल है. दोनों और ये इसके कितने दांत हो चुके? ये चार दांत अभी हुई, चार दांत अभी इसने किए. और वो व्हाइट वाली जो अंदर खड़ी है, वो जो व्हाइट वाली अंदर खड़ी है वो पांच से छह महीने की है फीमेल. ओके, इसमें से कोई भी लोडेड नहीं है ना अभी? नहीं, लोडेड कोई नहीं है. ओके, और वो स्किन एकदम पिंक है उसकी. आ जाइए इसका. उसका फेस काला है लेकिन चमड़ी उसके अंदर से गुलाबी है. माशाल्लाह, ये प्योर सोचे थे यही है कि ये भी क्रॉस है? ये भी क्रॉस में, क्रॉस में है, ठीक है. तो ये भी अपने को देना है? हाँ, ये भी देखना है. ओके, तो इसका क्या प्राइस वगैरह कैसा रहेगा? वो भी रेट फोन से बताएंगे कैसा करेंगे? इसका मैं इधर ही बता दे रहा हूँ. ओके, इसका मैं 11,000 रुपये डिमांड कर रहा हूँ. 11,000 इसका नेगोशिएबल है? हाँ, नेगोशिएबल है, थोड़ा बहुत हो जाएगा. ठीक है. और इन तीनों का, ये तीनों साथ में देना है या सेपरेट सेपरेट? ये तीनों साथ में ही देना है. ओके, जैसे अगर किसी को चारों लेना है साथ में, तो उसके लिए आप प्राइस और नेगोशिएबल कर देंगे. ये तीनों अगर कोई लेता है तो हम 20,000 में फाइनल दे देंगे. 20,000 फाइनल तीनों का? हाँ. और अगर चारों देना है, लेना है, अगर कोई लेना चाहता है तो आप उसमें और जितनी गुंजाइश हो सकती कर देंगे. फिर भी कितने तक में दे देंगे? फिर भी समझ लो 25-26 तक. तीनों दे दे, चारों दे दे, 25-26 तक चारों दे देंगे. अगर किसी को चारों साथ में लेना है और अगर तीन वो लेना है तो वो 20,000 रुपए के, और वो साथ में ही देना है. अपने को वो अलग अलग नहीं बेचना है ना, वो साथ में ही देना है. अगर उसके साथ में ये ऐड करेंगे तो 25-26 तक नेगोशिएट करके ये दे देंगे, नहीं तो ये 11,000 रुपए के है ना. वो अभी चार दांत पे है. इसके कितने दांत है? पांच से छह महीने. ओके, सही. अभी अदंत है ये, ठीक है. और इसमें से अभी लोडेड कोई भी नहीं है? प्लानिंग है कुछ लोड कराने का? अगर जैसा सामने वाली पार्टी अगर डिमांड करेगी तो अपन पतीला अपने पास है, उसे लोड करवा देंगे. उसका कुछ चार्जेस वगैरह? नहीं, चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं ना. अगर कोई बोलता है कि हमको पतीला से लोड करवा के दे दो, हाँ, तो आप करवा दोगे? हाँ. और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है. तो ये एक एडवांटेज है, ये बड़ा एडवांटेज है कि आपका पतीला से लोडेड करके बकरी आपको मिल जाएगी, ठीक है. और तीनों चारों साथ में लेना है तो इसमें हैवी डिस्काउंट है. अगर वो तीनों लेना है तो उसका एक प्राइस अलग है, इसका एक प्राइस अलग है. वो 20,000 में तीनों है, ये 11,000 में एक है. सब साथ में लेंगे तो 25,000 या 26,000 निगोशिएट करके मिल जाएगा आपको, ठीक है. तो इसके बाद अभी हम लोग और कुछ दिखाने वाले अपने लोगों को, ऑडियंस को. अभी फिलहाल अपने पास यही स्टॉक है जो कि फॉर सेल है. अभी फ्यूचर में कुछ लाने वाले हैं फॉर सेल के लिए, बकरा ईद वगैरह में? बकरा ईद में है, पतूरा है, अभी अदम है, वो जब तक बकरा ईद तक तैयार हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो बनाएंगे. पतीरा का लॉट है अपने पास देने के लिए, सही है. तो फ्यूचर में अपने को आने वाले एक दो महीने में पतीरा मिलेंगे अगर यहाँ पे तैयार हो गए तो. हाँ, मिल जाएंगे इंशाल्लाह. फिलहाल ये बकरा भी फॉर सेल है, इसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप लोग इसको वीडियो में देखिए. माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है ये भी. और अभी ये फिलहाल ये चार बकरियां हैं, ये है, और फिर हम लोग ने एक पतीरा का वीडियो बनाया. सारे वीडियोस बैक टू बैक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है. तो भाई ये वीडियो क्लोज करूँ? ठीक है, तो भाई वीडियो क्लोज करते हैं. आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ ज़्यादा है क्योंकि हम लोग भिवंडी में, ठीक है. तो आप लोग इस चीज़ को तो मैनेज कर ही सकते हो, ठीक है. बाकी भाई डिटेल्स तो मैंने आपको सारी चीज़ें रिपीट करके बताई दी है, ठीक है. तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.